रोडवेज बस में बैठने के लिए सामान लेकर कतार में खड़े लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार में आई डीसीएम ने बस में पीछे से टक्कर मारने के बाद सड़क पर खड़े लोगों को रौंद दिया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। घायलों का करुड़ करदन सुन जगदीशपुर गांव के लोग नंगे पांव सहायता के लिए दौड़े तो राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। हादसे में घायल हुए मुबारक अली, अभिषेक तिवारी, हर्ष व सोनू ने जिला अस्पताल पहुंचे अधिकारियों को बताया कि पहिया पंचर हो जाने के बाद बस में सवार सभी यात्री हाईवे पर नीचे उतर गए। 30 मिनट इंतजार करने के बाद डिपो से दूसरी बस पहुंची। हाईवे पर भी बस खड़ी कर चालक सभी लोगों को बैठा रहा था। वो लोग भी कतार में थे, कुछ लोग बैठ चुके थे। तभी शहर की तरफ से आई तेज रफ्तार डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी। कतार में खड़े दो लोग पहिए के नीचे आ गए, जिनकी कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई। वो लोग सड़क की ओर जा गिरे और चीख पुकार मच गई। गांव के लोगों ने सड़क पर बेसुध पड़े लोगों को किनारे किया। इस दौरान जिनके रिश्तेदार या परिचित बस में थे, वो लगातार स्थिति जानने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन वहाँ से कुछ सटीक खबर मिल नहीं पा रही थी जिससे बात हो सके। वो लोगों को खाई से निकालने में साथ दे रहे थे। किसी घायल को बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा था तो किसी को जिला अस्पताल। आपको बताते हैं कि घायल 25 यात्रियों में कसिया के मुबारक अली, समना चौधरी, कुबेरस्थान के राम विलास जायसवाल, रविंदर सिंह, पडरौना के हर्ष तिवारी, अभिषेक तिवारी, हनुमानगंज के सोनू गौड़ व रामदेव को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मेडिकल कॉलेज में भर्ती अन्य लोगों की पहचान नहीं हुई है। जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज पहुंचे डीएम कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर व एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने घायलों से जानकारी ली। मामूली रूप से घायल हुए 20 यात्री स्वजन के साथ घर रवाना हो गए। इस संबंध में गोरखपुर की संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना एम्स के जगदीशपुर चौकी अंतर्गत कल देर रात्रि एक खड़ी बस में डीसीएम द्वारा टक्कर मारी गई, जिसकी वजह से मौके पर ही दो लोगों की दुखद रूप से मृत्यु हो गई। उसके बाद में तुरंत जो अन्य घायल थे उनको सदर हॉस्पिटल एवं बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। दौरान उपचार चार अन्य लोगों की भी दुखद मृत्यु इस दौरान हुई, लेकिन 9 लोग जो हैं उनकी स्थिति सामान्य है, वो खतरे से बाहर है। मौके का मुआयना सभी आला अधिकारियों द्वारा किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रास्ते की स्थिति सामान्य है, हाईवे है, उसको कल रात्रि ही खुलवा दिया गया था और अन्य विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।